नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम के 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। और दोस्तों इस फिल्म का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल के लड़के करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में अपने तीसरे दिन किस फिल्म ने ज़्यादा कमाई की है और कौन रहा है किस पर भारी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म प्रस्थानम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि रिलीज किया गया था 20 सितंबर को। बताया दोस्तों आपको कि एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके लीड में आपको सुपरस्टार संजय दत्त के अलावा जैकी श्रॉफ, अली फजल, मनीषा कोइराला और अमायरा दस्तूर नजर आई है। दोस्तों बता दें आपको कि ये फिल्म 2010 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रस्थानम की ऑफिशियल रीमेक है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है देवा कट्टा ने। बात की जाए अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस फिल्म के ट्रेलर को तो ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया गया था। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्क्रीन्स काफी कम मिली है, उसके बाद भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि एक तरह से काफी अच्छा कलेक्शन है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ नेट बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का फर्स्ट डे का कलेक्शन रहा था लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए का। वही दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म का कलेक्शन रहा था लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड डे की, तो दोस्तों सेकेंड डे में भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की है। हालांकि दोस्तों सेकेंड डे में इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे में कमाया है 6.5 करोड़ रुपये, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का जो हिंदी से कलेक्शन रहा वो नेट बॉक्स ऑफिस पर रहा है लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपये का। ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने कमाया है टोटल लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए। वहीं दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में कमाई की है 1 करोड़ 30 लाख रुपए की। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का सेकंड डे का टोटल कलेक्शन होता है 6 करोड़ 50 लाख रुपए का और 2 दिनों में कलेक्शन हो जाता है लगभग 12.5 करोड़ रुपए का। बात की जाए इस फिल्म के थर्ड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बता रहे दोस्तों आपको कि काफी अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन भी काफी अच्छी ओपनिंग ली है। और आज की दोस्तों इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 20 से 25% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की रही है लगभग 35 से 40% की। वही दोस्तों इवनिंग में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी लगभग 40 से 45% की दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ की कमाई कर सकती है। ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 5.5 करोड़ की कमाई कर सकती है। वही दोस्तों ओवरसीज से अपने तीसरे दिन लगभग 1 करोड़ 20 लाख की कमाई कर सकती है। यानी कि दोस्तों तीसरे दिन का भी इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 7 करोड़ का आ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 3 दिनों का टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा 19 करोड़ रुपये का। बता दें चले दोस्तों आपको कि 18 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म को नेट बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करनी होगी। और दोस्तों अभी तक इस फिल्म का जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 11 करोड़ रुपए का। और इस तरह से दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक में हो सकता है कि हिट हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लिया दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार सनी देओल के लड़के और सुपरस्टार धर्मेंद्र देओल के पोते करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पल पल दिल के पास जो कि एक लव रोमांटिक फिल्म है, इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको करण देओल ने डेब्यू करते नजर आए हैं। वही दोस्तों उनका साथ दिया है शहर बम्मा ने। बात की जाए इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुपरस्टार सनी देओल ने। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक लव रोमांटिक फिल्म है और इस फिल्म को कश्मीर की वादियों में बनाया गया है। दोस्तों ये काफी बढ़िया तरीके से बनाई गई फिल्म है जिससे कि ऑडियंस की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जो स्टारडम सुपरस्टार सनी देओल और सुपरस्टार धर्मेंद्र देओल ने पाया था उस स्टारडम के लिए दोस्तों करण देओल को काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों सनी देओल के फैंस और धर्मेंद्र देओल के फैंस इस फिल्म का काफी सपोर्ट कर रहे है। तो बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी और कमाए थे लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए। सेकंड डे में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई और इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में कमाए 6 करोड़ 50 लाख रुपए। वहीं हम लोग यहाँ पर बात करें इस फिल्म के थर्ड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने थर्ड डे में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ओपनिंग हासिल की है और आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 25 से 30% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की दिखा रही है
35 से 40% की। वहीं दोस्तों इवनिंग में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी हो सकती है 45 से 50% की। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6.5 से 7 करोड़ के बीच की कमाई कर सकती है और इस फिल्म का जो 3 दिनों का टोटल कलेक्शन है वो लगभग 20 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है। इस तरह से दोस्तों लगभग 28 करोड़ का बजट से बनी ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो सकती है और दोस्तों हो सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट रिकवर करके सभी हेटर्स का मुंह भी बंद कर दे। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों अगर इन दोनों ही फिल्मों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों ही फिल्मों में दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल के लड़के करण देओल की फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक हिट होने वाली है। तो दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म बेटर है आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।